जय हिंद। सब्जेक्ट इज EVS, क्लास 5th, एंड वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 15। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचुरल क्लामिटीज एंड इमरजेंसीज। एक वर्ड है क्लामिटीज, मतलब आपदाएं। नेचुरल क्लामिटीज मींस प्राकृतिक आपदाएं, एंड उसके साथ लिखा हुआ है इमरजेंसीज, यानी प्राकृतिक आपदाओं के होने से जो इमरजेंसीज होती हैं, जो आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, उस पे हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेचुरल क्लामिटीज और एडवर्स इवेंट्स। कैसे इवेंट्स हैं? एडवर्स इवेंट्स हैं। एडवर्स मीन्स विपरीत। नेचुरल क्लामिटीज मीन्स प्राकृतिक आपदाएं, विपरीत इवेंट है, मतलब वी डजेंट नीड देम। हमारी प्रोग्रेस, हमारी पीस, हमारा जो एक तरह का सिविलाइजेशन है, उसके विपरीत है वो। Resulting from natural processes of earth like floods, earthquakes, droughts, landslides, tsunamis, etc. Resulting from natural processes of earth, तो ये जो natural calamities हैं या प्राकृतिक आपदाएँ हैं, ये किसका result है? Natural processes of earth, अर्थ की, पृथ्वी की या जमीन के अंदर, जैसे फ्लड, फ्लड होना, फ्लड्स हम कहते हैं, बाढ़ आना, तो बाढ़ आना एक नेचुरल क्लामिटीज है। अर्थक्वेक्स, भूकंप, ये भी एक नेचुरल क्लामिटीज है, प्राकृतिक आपदा है। ड्रॉट्स, सूखा, या जिसको हम कह सकते हैं अनावृष्टि, we can say somehow this is also a natural calamities. Landslides, जिसको हिंदी में कहते हैं भूस्खलन, मतलब जमीन का ढह जाना, rocks या चट्टानों का ढह जाना, आगे हम पढ़ेंगे। And tsunamis, tsunamis का basically ये लहरें होती हैं समुद्र में, बहुत ही big waves होती हैं, और जो समुद्र के किनारों पे रहने वाले जो लोग हैं, जो सिटीज हैं, उनको डैमेज करती हैं। सो ये जितने भी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? नेचुरल क्लामिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, एंड दे आर नॉट इन आवर हैंड। ऑफ़ कोर्स आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जो साइंस ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए हैं कि जिनसे सम हाउ इनके आने का एक आइडिया लग जाता है, पता लग जाता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट 100% श्योर और कन्फर्म्ड। बट स्टिल पीपल्स और द साइंटिस्ट आर स्टिल लाइक प्रोग्रेसिंग इन दिस वे, आविष्कार हो रहे हैं। सो कुल मिला के जो नेचुरल क्लामिटीज हैं, इनके जो विनाश हैं, बहुत ही मेजर हैं, भयानक हैं इनके परिणाम, एंड दे आर नॉट इन आवर हैंड। ऑफ कोर्स यू नो, इन अदर वे वी कैन से कि कभी कभी लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स, बिकॉज जब हम नेचर को अनबैलेंस करते हैं, तो अनबैलेंसिंग से हम कई चीज़ों को इनवाइट करते हैं, उनमें से कुछ एक ये भी हैं, जैसे ड्रॉट्स, अकाल, मतलब बारिश का न होना, इनफ बारिश का न होना, दैट इज नॉन एज ड्रॉट्स, एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाएगा, तो दैट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन ओनली, कि वी आर जस्ट डिसबैलेंसिंग द थिंग्स। हम जो एक नेचर का बैलेंस है उसको ख़राब कर रहे हैं। ओके, सो दे कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जितनी भी नेचुरल क्लामिटीज हैं, ये डैमेज करती हैं, विध्वंस करती हैं, किसको? लाइफ को और प्रॉपर्टीज को, संपत्ति को। कैसे करते हैं कि जब ये नेचुरल क्लामिटीज होती हैं, सो जिस एरिया में होती हैं, कई बार बहुत ही मेजर रूप में होती हैं, जिससे कितनी जानें चली जाती हैं, कितने लोग, कितने एनिमल्स, बर्ड्स,
इनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ में अगर कई बार ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि किसी बड़े शहर या बड़े टाउन में इस तरह का हो गया तो वहाँ पे बिल्डिंग्स कोलाप्स हो जाती हैं, घर गिर जाते हैं, सो काफ़ी जो संपत्ति का नुकसान भी होता है, रोड ब्रिजेस पुल जितने भी हैं टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय दैट, इंडस्ट्रीज लाइक टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कोलाप्स्ड हो जाती हैं। सो कंक्लूजन ये निकला कि नेचुरल जो क्लामिटीज हैं इनसे संपत्ति का भी नुकसान होता है, साथ ही साथ लाइफ का भी, ह्यूमन एनिमल बर्ड्स इन सब की लाइफ का भी नुकसान होता है। सो इस चैप्टर में आज सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स को हिंदी में कहते हैं हम भूकंप। अर्थक्वेक्स आर ट्रेमर्स इन द ग्राउंड क्रिएटेड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सो अर्थक्वेक्स आर ट्रेमर्स इन द ग्राउंड क्रिएटेड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए जो अर्थक्वेक्स हैं या जिनको हम भूकंप कहते हैं ये बेसिकली ट्रेमर्स, ट्रेमर्स को हिंदी में कहते हैं झटके, TREMORS ट्रेमर्स। तो अर्थक्वेक्स क्या है? आर ट्रेमर्स, झटके हैं कहाँ? इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर एक तरह से झटके क्रिएट होते हैं। क्रिएटेड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, देखिए एक वर्ड है टेक्टोनिक प्लेट्स, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक मूवमेंट करती हैं तो ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं एंड दैट ट्रेमर्स फाइनली रूप ले लेते हैं अर्थक्वेक्स का। सो अर्थक्वेक्स आर ट्रेमर्स, झटके हैं इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, क्रिएटेड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट के अचानक मूवमेंट के कारण ऐसा होता है या क्रिएट होते हैं। जैसे ह्यूज स्लैब्स ऑफ रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा विशाल, स्लैब्स ऑफ रॉक्स जो चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं या चट्टानों की पट्टियाँ हैं, स्लैब्स मीन्स पट्टियाँ, ह्यूज मीन्स बड़ा, रॉक्स मीन्स चट्टानें, सो ह्यूज स्लैब्स ऑफ रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, ये जो चीज़ें जो अर्थ के क्रस्ट को बनाती हैं, सो इन्हीं में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें अगर सडन मूवमेंट होता है तो जिससे ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं और अर्थक्वेक निकलता है या भूकंप मतलब अर्थक्वेक बनता है। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अर्थक्वेक्स आर ट्रेमर्स, ये झटके हैं इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, क्रिएटेड बाय द, किससे क्रिएट हो रहे हैं? बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक जो प्लेट है उनके अचानक मूवमेंट से ये क्रिएट होते हैं। एंड टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली क्या है? ह्यूज स्लैब्स ऑफ रॉक्स, ह्यूज मीन्स बड़ा, स्लैब्स मीन्स पट्टियाँ, ऑफ रॉक्स मीन्स चट्टाने, तो ये चट्टानों की बड़ी पट्टियाँ होती हैं दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, दो अर्थ के क्रस्ट को बन। अर्थक्वेक्स आर अकम्पनीड बाय वाइब्रेशन, शेकिंग एंड समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड। अर्थक्वेक्स आर अकम्पनीड, अकम्पनीड मीन्स साथ, अर्थक्वेक्स आर अकम्पनीड बाय वाइब्रेशन, तो जब भूकंप होता है तो एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है, शेकिंग हिलना होता है, एंड समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड, और जमीन का विस्थापन हो जाता है। यही तो होता है भूकंप में भाई, जब भूकंप आएगा तो हम देखते हैं अगर भूकंप का जो सेंट्रल पॉइंट है हमसे दूर है तो हम वी कैन समटाइम्स ऑल्सो फील कि एक वाइब्रेशन आता है या शेकिंग होता है। हम देखते हैं अगर हम अपने घरों के अंदर होते हैं तो घरों में एक वाइब्रेशन या शेकिंग जैसा होता है। देन अगर हम बहुत क्विकली कोशिश करते हैं कि हम अपने घर से बाहर किसी सेफ प्लेस में निकल जाएं, बिकॉज देर आर द चांसेस कि उस वाइब्रेशन या शेकिंग से कि घर गिर सकते हैं, बिल्डिंग्स कोलाप्स हो सकती हैं, वट एवर द फ्लैट्स बिल्डिंग जो भी है वो कोलाप्स हो सकती है। दैट इज़ द रीजन कि वी हैव बीन एडवाइज और वी हैव बीन टॉट कि जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकलो एंड गो ए सेफर प्लेस, ओपन प्लेस में जाएं। सो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब अर्थक्वेक होता है तो शेकिंग होता है, वाइब्रेशन होता है, एंड समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड, और जब ऐसा होगा तो जमीन का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, विस्थापन मीन्स भाई जहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है उस अर्थक्वेक का, भूकंप का, तो वहाँ जमीन इधर उधर हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन बिल्डिंग है या वट एवर द हाउसेस कोलाप्स हो जाते हैं।
ठीक है, क्यों हो जाते हैं कि वहाँ पे सेकिंग या वाइब्रेशन ज़्यादा है जिससे ज़मीन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। द रिएक्टर स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन ए स्केल फ्रॉम 1 to 10। देखिए भूकंप कितना है, कितनी उसकी रेंज थी भूकंप की, उस भूकंप को मेजर करने के लिए, जैसे किसी को टेम्परेचर आता है, बुखार आता है, तो हम जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर से बेसिकली एक व्यक्ति का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं कि कितना इसके बुखार है। सेम में हर चीज़ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टर, ठीक है। सो द रिएक्टर स्केल, जो रिएक्टर स्केल है, रिएक्टर RICSTER, रिएक्टर स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, कि जो भूकंप आया उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, और ये बेसिकली होती है 1 to 10। 1 to 10 के बीच में उसको नंबर दिया जाता है कि जो इंटेंसिटी थी 5 point कुछ थी या 3 point कुछ, whatever। सो जो रिएक्टर स्केल है ये भूकंप की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। समटाइम्स अर्थक्वेक्स आर सो जेंटल, कभी कभी जो भूकंप हैं वो बिल्कुल जेंटल होते हैं, दैट दे पास अननोटिस्ड, कि बेसिकली अननोटिस्ड मीन्स दे भूकंप आ गया लेकिन हमें पता नहीं लगा, वी आर अननोटिस्ड, दैट मीन्स वो काफ़ी उनकी इंटेंसिटी लो होती है, काफ़ी जेंटली वो निकल जाते हैं, हमें लाइक फील ही नहीं हुआ। ऑफकोर्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मेजर जरूर किया उसको कि दिस वाज द इंटेंसिटी, बट दैट वाज ट्रू लो कि वी आर नॉट अवेयर और लाइक दैट अर्थक्वेक पास्ट अननोटिस्ड, हमें मालूम नहीं चला। सो इट्स हैपन समटाइम्स, वेयर एज इन सम आर सो वायलेंट दे कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर सिटी, लेकिन सम आर सो वायलेंट दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर सिटी, की जो पूरा का पूरा शहर है जहाँ पे वो उनका सेंट्रल पॉइंट हुआ है या जहाँ पे हुआ है, पूरे पूरे शहर को बेसिकली विध्वंस कर देते हैं। सो दैट मीन्स उनकी जो इंटेंसिटी है उस भूकंप की वो बहुत हाई है, ठीक है। साइस्मोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक्स विद द हेल्प ऑफ साइस्मोग्राफ्स। देखिए साइस्मोलॉजिस्ट वर्ड है, इसको कहते हैं हम भू भौतिकीविद, जो हिंदी में परफेक्ट वर्ड है भू भौतिकीविद, साइस्मोलॉजिस्ट या हम भूकंप वैज्ञानिक कह सकते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो भूकंप की स्टडी करते हैं। साइस्मोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक्स विद द हेल्प ऑफ साइस्मोग्राफ्स, तो किसकी मदद से स्टडी करते हैं, साइस्मोग्राफ्स, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड साइस्मोलॉजी, भूकंप की स्टडी करना या पढ़ाई करना उसको क्या कहा जाता है भाई, भूकंप विज्ञान, साइस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइस्मोलॉजी मीन्स भूकंप विज्ञान। अर्थक्वेक्स अंडर द वाटर इज कॉल्ड सुनामी, कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के नीचे होते हैं, स्पेशली समुद्र या ओशियंस में होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सुनामी। एक बार सुनामी का नाम सुना भी होगा आपने, आया था एंड दैट वाज वेरी ह्यूज सुनामी एंड लॉट ऑफ पीपल्स, लॉट ऑफ सिटीज, इवन लॉट ऑफ कंट्रीज वर अफेक्टेड बाय दैट वाज सुनामी। सो सुनामी भी एक तरह का अर्थक्वेक है, बट दैट हैपन अंडर वाटर मीन्स जमीन के नीचे पानी में, जैसे समुद्र या ओशियन की हम बात करें उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी। सो अर्थक्वेक्स अंडर द वाटर इज कॉल्ड सुनामी। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि ये भी एक नेचुरल क्लामिटीज होती है, और इस जब अर्थक्वेक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूकंप, जब आता है तो काफ़ी सारा सेकिंग होता है ज़मीन में या वाइब्रेशन होता है, कई बार जो है हम क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड हो जाता है, और अर्थक्वेक से लाइफ भी लॉस्ट होती है, साथ ही साथ संपत्ति का भी नुकसान होता है। अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए कि इसका व्हाट वाज इट्स इंटेंसिटी, इसके लिए एक होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, जिसपे 1 to 10, 1 to 10 तक बेसिकली इस पर रीडिंग होती है, और एज पर द इंटेंसिटी वो नंबर दिया जाता है, ठीक है। कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे हैं दैट्स लाइक
अंडर द वाटर दैट हैपेंड अंडर द वाटर, तो इनको हम सुनामी कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थक्वेक्स. सो वी कवर अर्थक्वेक्स, सुनामी, नाउ वी आर हेयर वोल्केनोज, एंड अंडर द वोल्केनोज वी विल स्टडी एक्टिव वोल्केनो एंड डोरमेंट वोल्केनो. सो वोल्केनो, अ वोल्केनो इज अ वेंट और फिसर वेयर मैग्मा इन ब्रेकिट मोल्टन रॉक फ्रॉम द अर्थ हॉट इंटीरियर इमर्जेस ऑन टू द सरफेस. अ वोल्केनो इज अ वेंट और फिसर. वोल्केनो को हिंदी में कहते हैं हम एक तरह का ज्वालामुखी. सो एक वोल्केनो एक तरह का इज अ वेंट और फिसर. फिसर मीन्स एक तरह की दरार हो जाती है, एक होल हो जाता है जमीन में. जो ज्वालामुखी में क्या होता है कि एक तरह की दरार या एक तरह का होल, वेंट मीन्स होल या फिसर मीन्स दरार आ जाती है कहाँ पे, पृथ्वी में, अर्थ में. वेयर मैग्मा इन ब्रैकेट मोल्टन रॉक. मैग्मा मीन्स एक तरह से पिंगला हुआ, मोल्टन रॉक हम कह सकते हैं, तरल तय. फ्रॉम द अर्थ हॉट इंटीरियर, जमीन के अंदर. फ्रॉम द अर्थ मीन्स जमीन के अंदर से. हॉट इंटीरियर, जो जमीन के अंदर गर्म जो उसका इंटीरियर है, दैट इमर्जेज ऑन टू द सरफेस, वो जमीन के ऊपर सरफेस पे आ जाता है. थोड़ा सेंटेंस बड़ा है बट अच्छा सेंटेंस है कि बेसिकली वोल्केनो में क्या होता है, ज्वालामुखी में क्या होता है. सबसे पहले या तो होल जिसको हम वेंट कहते हैं या फिसर, दरार आ जाएगी जमीन में, और उस दरार के थ्रू जो जमीन के अंदर हॉट इंटीरियर है, स्पेशली जिसको हम मैग्मा कहते हैं या मोल्टन रॉक भी कह सकते हैं, पिंगला हुआ रॉक चट्टान या पिंगला हुआ तरल तय, सो वो बेसिकली निकलता है स्पीड से उस वेंट या जो दरार हुई है, फीसर हुआ है, उसके थ्रू वो जमीन उससे निकलता है और जमीन के ऊपर आ जाता है. दैट कम्स इमर्जेज ऑन टू द सरफेस. ठीक है, तो कहाँ पे आ जाता है वो जमीन के सरफेस पे. इन सम प्लेसेस द मोल्टन रॉक या जिसको हम लावा भी कहते हैं, मोल्टन रॉक को हम लावा भी कह सकते हैं, मे ओज आउट स्लोली एंड जेंटली बट इन अदर्स इट कैन इरप्ट विद अ वायलेंट एक्सप्लोजन. देखिए बताया गया कि कुछ जगहों पे जो मोल्टन रॉक है जिसको हम लावा कहते हैं, मे ओज आउट, ओ डबल ओ जेड ई, ओज मीन्स होता है रसना धीरे धीरे. सो मे ओज आउट स्लोली कि मतलब वो धीरे धीरे रस्ता रहता है, धीरे धीरे निकलता है, ओज आउट होता है, रिश्ता रहता है. इन सम प्लेसेस है ना, एंड स्लोली एंड जेंटली, धीरे धीरे हल्के से बेसिकली वो निकलता रहेगा. बट इन अदर्स इट कैन इरप्ट विद अ वायलेंट एक्सप्लोजन. इरप्ट मीन्स फूटना, लेकिन कई कुछ प्लेसेस पे इट कैन इरप्ट एक तरह से फूटेगा, विस्फोट होगा विद अ वायलेंट एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट, वायलेंट मीन्स बहुत ही तेजी से हम कह सकते हैं. ठीक है, इट कैन इरप्ट विद अ वायलेंट एक्सप्लोजन मतलब भी बहुत ही भयानक विस्फोट के साथ ये इमर्ज होता है या इरप्ट होता है, फूटता है, निकलता है. थ्रोइंग आउट रेड हॉट लावा, और एकदम रेड कलर का, एकदम गर्म, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का लावा बाहर थ्रो करता है, एक तरह का एक्सप्लोजन होता है. हम कह सकते हैं कि जमीन एक तरह से ऐसे फटती है, एक तरह से ऐसा फिसर होता है, दरार होती है, उस दरार में सडनली और रेड कलर का जो लावा है वो थ्रो करेगा, एक तरह से अंदर से बाहर से निकलेगा. सो इट विल बी लाइक एक्सप्लोजन, एक तरह बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा. ओके, थ्रोइंग आउट रेड हॉट लावा, रॉक में चट्टाने मतलब चट्टान के जो ढेर, एस रॉक एंड क्लाउड्स ऑफ स्टीम मीन्स भाप के बादल, ये सब चीज़ें उससे बाहर निकलेंगी. तो देखिए दो चीज़ बताइए एक ने, सम केसेस में तो क्या होता है कि दैट वोल्केनो जो इरप्ट होता है वो बहुत ही स्लोली या जेंटली जिसको हम ओज आउट कहते हैं, कि इन सम प्लेसेस द मोल्टन रॉक दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लावा मे ओज आउट स्लोली एंड जेंटली, बहुत आसानी से निकल जाता है. एंड पीपल्स आर नॉट अफेक्टेड मच बाई दैट बिकॉज वो बहुत ईजीली दैट इज कमिंग आउट.
वेयर एज इन अदर प्लेसेस इट कैन इरेप्ट, इरेप्ट मीन्स फूटना, विद अ वायलेंट एक्सप्लोशन, बहुत ही तेज विस्फोट के साथ इरेप्ट होता है, थ्रोइंग आउट रेड हॉट लावा, और क्या क्या बाहर निकलेगा, लाल कलर का लावा एकदम गर्म, लम्स ऑफ रॉक, चट्टानों के जो ढेले बेसिकली, ऐश मीन्स राख, क्लाउड्स ऑफ स्टीम, भाप के बादल, ये सारी की सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी एंड दैट कैन रियली डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड एज वेल एज प्रॉपर्टी. ओके, एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो विल नेवर एरप्ट अगेन. सो इसका मतलब ये है कि एक विलुप्त ज्वालामुखी फिर से कभी नहीं फटेगा. एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो विल नेवर एरप्ट अगेन, कि एक विलुप्त जो ज्वालामुखी है फिर से कभी नहीं फटेगा. एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब यही होता है, ई एक्स टी आई एन सी टी, एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त, वोल्केनो विल नेवर एरप्ट अगेन. अ डोरमेंट वोल्केनो हैज नॉट एरप्टेड इन 2000 ईयर्स. और इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह है कि 2000 के दशक में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं फटा. सो जो डोरमेंट वोल्केनो है अपना, जो 2000 वाला दशक है जो चला गया, उसमें कभी नहीं फटा. सो अ डोरमेंट वोल्केनो हैज नॉट इरप्टेड इन 2000 ईयर्स. एन एक्टिव वोल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली एंड इज लाइकली टू इरप्ट अगेन. एक है एक्टिव वोल्केनो, सो ये हैज इरप्टेड रिसेंटली, बहुत जल्दी, रिसेंटली मीन्स अभी बहुत पहले, मतलब बहुत जल्दी ये निकला है, एंड इज़ लाइकली टू इरप्ट, और ये फिर से इरप्ट हो सकता है, फिर से ऐसा हो सकता है. एक्चुअली आई स्किप वन लाइन, चलो उस लाइन को एक बार फिर से देख लेते हैं. सो वोल्केनोज कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट. वोल्केनो को इसने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया, एक है एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, और दूसरा है डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो. सो एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं बेसिकली जो हमेशा एक्टिव होते हैं, या धीरे धीरे रिश्ते रहते हैं, या धीरे धीरे निकलता रहता है, बट पीपल्स आर नॉट अफेक्टेड मच बाई देम. लाइक इफ यू गो टू द चांस टू गो अब्रोड एंड देर इज़ अ प्लेस नॉन एज मडगास्कर या मोरोनी, ये अपना जो इंडियन ओशियन है, एंड यू फाइंड आई थिंक नियर मडगास्कर एज अ बिग आईलैंड, सो मडगास्कर आईलैंड के बाजू में यू विल फाइंड मोरोनी. सो मोरोनी में देर आर लॉट ऑफ एक्टिव वोल्केनोज आर स्टिल देयर. सो वो कंटिन्यूसली रिश्ते रहते हैं, एंड यू कैन सी, अगर आपको चांस मिला तो स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ देम, एंड पीपल्स आर टेकिंग फोटोग्राफ एंड द पिक्चर एंड दे सी दैट. बट दोज वोल्केनोज, लाइक एक्टिव वोल्केनोज आर नॉट अफेक्टेड द पीपल्स, पीपल्स आर स्टेइंग नियर बाई देम. सो पीपल्स आर लाइक इन द आर हैबिचुअल, पीपल्स आर नॉट अफ्रेड, बिकॉज वो सदियों से वो रिस रहे हैं, निकल रहे हैं. सो दे आर नॉन एज एक्टिव वोल्केनोज. साथ ही साथ होते हैं डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो होते हैं जो विलुप्त हो गए हैं, मीन्स ठीक है ना, वो विलुप्त हो गए हैं. आगे बताया गया है कि एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो विल नेवर एरप्ट अगेन. जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं जो विलुप्त हो गए हैं, दैट विल नेवर एरप्ट अगेन, मतलब वो दोबारा नहीं होंगे, मतलब कि एक विलुप्त ज्वालामुखी फिर से कभी नहीं फटेगा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये है. अ डोरमेंट वोल्केनो हैज नॉट इरप्टेड इन 2000 ईयर्स. जो हमारी 2000 वाला जो, इसमें जो डोरमेंट वोल्केनो है कभी फूटा नहीं, ठीक है, 2000 के दशक में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं फटा, मतलब ये रिकॉर्ड बता रहा है. एंड फाइनली एन एक्टिव वोल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली एंड इज लाइकली टू इरप्ट अगेन. बताया गया है कि जो एक्टिव वोल्केनो है वो एक रिकॉर्ड के मुताबिक रिसेंटली वो इरप्ट हो गया है, एंड हो सकता है कि इज़ लाइकली टू इरप्ट अगेन, मतलब आगे भी होने की संभावना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्केनोज. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके, टुडेज लास्ट टॉपिक इज लैंडस्लाइड्स. सो बेसिकली लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, यानी मिट्टी या रॉक या स्टोन का सडनली ढह जाना, गिर जाना, ठीक है, स्लिप हो जाना. तो जिससे भी, इससे भी क्या होता है कि काफ़ी मेजर डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमन लाइफ का. सो उसी को देखते हैं लैंडस्लाइड के बारे में क्या लिखा है. लैंडस्लाइड्स ऑल्सो नॉन एज लैंड स्लिप्स, लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन को हम लैंड स्लिप्स के नाम से भी जानते हैं, अकर हैपेंड कब होते हैं, व्हेन बिग रॉक्स बड़ी चट्टाने, स्टोन्स पत्थर एंड मड कीचड़ स्लाइड्स डाउन द माउंटेन स्लोप्स
इंचू द वैली, वैली मीन्स घाटी, तो बड़ी चट्टाने या पत्थर या मड, ये जब स्लाइड डाउन्स मतलब एक तरह से नीचे की तरफ गिरना चालू होते हैं, स्लाइड्स डाउन द माउंटेन या हिल एरिया से या पहाड़ों से जब स्लाइड्स होते हैं इनटू द वैली घाटी में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। अ चेंज इन द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ग्राउंड वाटर प्रेशर, एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, इरोजन और अर्थक्वेक्स। अ चेंज इन द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप, अब ये जो स्लोप है इसकी स्टेबिलिटी में जो चेंज हुआ है, स्टेबिलिटी मीन्स इसकी स्थिरता में डिस्टेबलाइज हो गई है, सो अ चेंज इन द स्टेबिलिटी मीन्स इसकी स्थिरता में जो बदलाव आया है किसकी, ऑफ ए स्लोप, जो स्लोप था, कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ग्राउंड वाटर प्रेशर, भाई इसके कारण क्या हो सकते हैं कि जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया हो, एब्सेंस ऑफ वेजिटेशंस, वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधों वहाँ पे इनफ नहीं हो, प्लेन हो, इरोजन कटाव, ज़्यादा रेन हो रही हो वहाँ पे उस एरिया में, हैवी रेनफॉल हो रहा हो जिससे कटाव आ गया हो, इरोजन हो गया हो, और अर्थक्वेक्स, कई बार भूकंप आया हो तो भूकंप की वजह से भी एक तरह का डिस्टेबलाइज हो जाता है वो प्लेस। सो जितने भी ये सारे के सारे कॉज रहे, किसके कॉज हैं, चेंज इन द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप, कि एक स्लोप की स्टेबिलिटी को चेंज करने के कारण है, क्या क्या कारण है, ड्यू टू ग्राउंड वाटर प्रेशर, एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, पेड़ पौधे सफिशेंट ना हो, इरोजन जिसको हम हिंदी में कटाव कहते हैं, और अर्थक्वेक्स भूकंप। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, कई बार हम लोग मानव की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके कारण भी ऐसा हो सकता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, अगर हम ज़्यादा वनों की कटाई करेंगे, ज़्यादा वनों की कटाई करेंगे तो रेनी सीजन में क्या होगा, इरोजन होगा, यानी जमीन का कटाव हो जाएगा, जमीन वहाँ से खिसकेगी, जमीन वहाँ से नीचे की तरफ आएगी, ठीक, उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई। कल्टीवेशन, खेती के कारण भी हम कई बार लैंड की जो स्टेबिलिटी है उसको चेंज करते हैं, उसको लेवलिंग करते हैं, सो जो लैंड की एक नेचुरल जो स्टेबलाइजेशन है, स्टेबिलिटी है, उसको हम चेंज करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ए बिग रीजन, क्या, कल्टीवेशन, खेती करना। एंड कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो डी स्टेबलाइज द स्लोप्स, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, हम कई बार बिल्डिंगें बनाते हैं या घर बनाते हैं, तो वट एवर द कंस्ट्रक्शन, किसी भी फॉर्म में कंस्ट्रक्शन करना, तो उसके कारण भी देखा होगा आपने, पोल गाड़े जाते हैं जमीन में मशीन की हेल्प से, सो उसके कारण भी जो स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। ये कई सारे रीजन हैं जो लैंडस्लाइड्स को इंक्रीज करते हैं, लैंडस्लाइड्स को बढ़ावा देते हैं। लैंडस्लाइड्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन मानसून सीजन इन द हिली एरियाज, जनरली जो लैंडस्लाइड होता है वो पर्वतीय इलाकों में होता है, और इसके जो चांसेज हैं रेनी सीजन में ज़्यादा होते हैं। देखा होगा रेनी सीजन में हमें अक्सर ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज सो एंड सो प्लेस में लैंडस्लाइड्स हो गया है, ठीक है। दे कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, भाई जो लैंडस्लाइड्स हैं, भूस्खलन हैं, इनसे भी जो संपत्ति है और जो लाइफ है, जिंदगियां हैं, उनको उनका डैमेज होता है, संपत्ति और लाइफ दोनों को ये डैमेज करते हैं। तो ये पढ़ा हम लैंडस्लाइड्स के बारे में, लैंडस्लाइड्स को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि लैंडस्लाइड्स को हिंदी में कहते हैं भूस्खलन, यानी मिट्टी का या चट्टानों का या पत्थरों का अचानक से खिसक जाना, अपनी जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी से डिस्टेबलाइज हो जाना, मतलब एक काफ़ी बड़ा एरिया, ह्यूज एरिया सडनली स्लिप हो जाएगा, है ना, और जब वो स्लिप होगा तो वट एवर द जो चीज़ें हैं, वेदर इट इज बिग रॉक्स या स्टोन्स मड है, वो सारी की सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। सो ऐसा जब होगा तो वहाँ पे जो भी घर बने हुए हैं और जो लोग हैं, समटाइम्स वो घर कोलैप्स हो जाते हैं, एंड लॉट ऑफ लाइफ डैमेज टू द लाइफ एज वेल एज टू द प्रॉपर्टी, ऐसा होता है। सो जो लैंडस्लाइड्स के जो कॉज है, ये कहा गया है कि अंडर वाटर प्रेशर के कारण हो सकता है, या इरोजन भूमि के कटाव के कारण हो सकता है, या कई बार हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक्स भूकंप के कारण भी ऐसा होता है कि जो स्टेबिलिटी है उसमें चेंज आ जाता है। साथ ही साथ
कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी ऐसा हो सकता है, लाइक डिफॉरेस्टेशन हम कंटिन्यूसली एक प्लेस पे करते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वन हमने साफ़ कर दी उस एरिए को, या कल्टीवेशन खेती के लिए हमने उस एरिए को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया, जो उसकी नेचुरल कंडीशन थी उससे हमने काफ़ी उसको अलग कर दिया, या कई बार कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिए में हो रहा है तो भी ऐसा हो सकता है। सो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये डिस्टेबलाइज करती हैं स्लोप्स को, स्लोप्स की जो ओरिजिनलिटी है, जो उसकी स्थिरता है उसको ख़राब करती हैं। ठीक है, तो यही था लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में इतना ही, आई होप आपको आई कैन अंडरस्टैंड ये चैप्टर, इट्स नॉट सो ईजी कंपेयरिंग टू आवर लास्ट चैप्टर्स, थोड़ा सा इसमें हमें कंसंट्रेट करना होगा, हार्ड वर्ड्स काफ़ी हैं, बट आई विल गिव यू ईच एंड एवरी हार्ड वर्ड्स सेपरेटली, मैं PDF फॉर्मेट में दूंगा सारे के सारे हार्ड वर्ड्स को, मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के थ्रू, डोंट वरी, इट्स माय ड्यूटी। ओके, उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट होगा तो आई विल रिवाइज दिस चैप्टर, आई विल मेक वन मोर वीडियो और आई विल टेक वन मोर क्लास, तो डोंट वरी। सो ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस क्लास वेरी केयरफुली, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड बी सेफ एट होम। So see you in the next class. Have a great day. Bye bye.